नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आज प्रमुख खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और इन खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए साथ हैं पलपल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो चुका है। कल सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद आज जो राज्यपाल का अभिभाषण था वह शुरू हुआ और उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन कल विधानसभा में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब माँ और बेटा एक साथ विधानसभा पहुंचे, क्योंकि उससे पहले के इतिहास में शायद ऐसा पहले नहीं हुआ। हाँ, पिता पुत्र विधानसभा में गए हैं एक साथ, लेकिन माँ और बेटा पहली बार हरियाणा विधानसभा में एक साथ पहुंचे हैं। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जो इस तरह की अब परंपराएं बदल रही है कि महिलाएं भी राजनीति में आगे आ रही है बढ़ चढ़ करके, हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन माँ और बेटा एक साथ पहुंचे। और यह भी एक संयोग है कि चोटाला गांव से संबंधित कहें या कहीं देवीलाल परिवार से, कि पांच उनके विधायक एक साथ इस बार सदन में गए हैं। हरियाणा में कमल जी, इस बार कई चीजें पहली बार होने जा रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, श्रीमती नैना चोटाला जो बाडला से विधायक बनी है, पिछली बार भी वो विधायक थी, डबवाली से थी, लेकिन इस बार वह अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ विधानसभा में पहली बार हरियाणा के इतिहास में, 53 वर्षों के इतिहास में, 1966 में हरियाणा की विधानसभा अलग बनी थी, उस समय 81 विधायकों का सदन पंजाब से अलग हुआ था, और तीन बार जहां तक मुझे याद आता है तीन बार ऐसे मौके आए हैं जब तीन पिता पुत्र जी, उनमें से सबसे पहले बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, उसके बाद भजनलाल जी और चंद्रमोहन और कुलदीप भी रहे हैं, उसके बाद फिर अभय सिंह चौटाला और चौटाला साहब, और एक बार और चौधरी देवीलाल जी और रंजीत सिंह, जो 87 में चौधरी देवीलाल जी जो है मुख्यमंत्री थे और रंजीत सिंह। तो ये चार बार ऐसा हो चुका है पहले जब पिता पुत्र जो है हरियाणा की विधानसभा में रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। लेकिन माँ और बेटा, वो पहली बार दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के सबसे छोटे मुख्यमंत्री बने हैं, और यह भी पहली बार हुआ है अभी इतनी छोटी आयु में, 31 वर्ष की आयु में वो मुख्यमंत्री बने हैं, और शायद वो अमित शाह और दोनों जो एक ही परिवार से संबंधित है, वो सबसे कम उम्र में विधायक बने हैं जो दुष्यंत चौटाला जो हैं। लेकिन माँ बेटा जो है वो पहली बार मिले हरियाणा की विधानसभा में। जो नई 14वीं विधानसभा बनी है उसमें नई चीजें पहली बार हुई, पांच लोग एक ही परिवार से, ये बहुत बड़ी बात है। चौटाला परिवार जो है, चार लोग तो सीधे तौर पर, रंजीत सिंह जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, अभय सिंह जो पोते हैं, नैना चौटाला जो मतलब पोते की धर्मपत्नी है, और दुष्यंत चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, और इसी हिसाब से अमित सिहाग भी चौधरी देवीलाल के भाई के पोते हैं, तो वो भी चौटाला गांव से हैं, उन्हीं के परिवार से हैं, और सीधे तौर पे भी अगर एक परिवार से चार लोगों का पहुंचना भी पहली बार हुआ है। तो इसके साथ साथ कल जो बातें विधानसभा में हुई, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दूसरी बार विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में बने, वो विपक्ष के नेता बने। सर, जैसा आपने कहा कि इस बार विधानसभा के अंदर कई ऐसी चीजें पहली बार हुई हैं, जैसे माँ और बेटे एक साथ विधानसभा पहुंचे, एक और संयोग हुआ है इस बार 53 साल के इतिहास में, और वह हुआ कि पहली बार विधानसभा बिना मंत्रियों के पहला दिन हुआ। हालांकि पहले कभी नहीं हुआ कि मंत्री नहीं बने हो, सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम दो ही शपथ ले चुके हैं, जबकि कोई मंत्री नहीं था, जिनका उनके पास भी कोई विभाग नहीं, विभाग भी नहीं था नहीं। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है। तो अब यही चर्चा है कि इस बार जो मंत्री का कोटा है वह किन किन को मिल सकता है। ऐसा है जैसा कि हमने कल भी कहा था और हमारी बात लगभग 99% सच्ची हुई, हमने ज्ञानचंद गुप्ता का नाम लिया था, ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ कमल गुप्ता का भी नाम चल रहा था, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जो दूसरी बार विधायक बने हैं उनका नाम था। तो अब जो मंत्री बनने वाले हैं
उनमें से मैं चार नाम आपको जेजेपी का बता देता हूँ, चार में से तीन जरूर मंत्री बनेंगे। उनमें टोहाना के विधायक जो बबली हैं, तो इंद्र सिंह बबली, वो गुलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह, और उसके अतिरिक्त नारनौंद को कैप्टन अभिमन्यु को हराने वाले राम भगत गौतम जो हैं, ये चार तीन विधायकों में से दो मंत्री अवश्य बनेंगे, क्योंकि उनको तीन विधायक मिले गए हैं। तो ऐसे में ये शायद कल शाम तक का सेशन चलेगा, और हो सकता है वीरवार को मंत्रियों को शपथ दिला दी जाए। और अगर सेशन कल खत्म हो सकता है तो, क्योंकि सारी डिस्कस हो चुकी है, सारे विधायक मंत्री जिन बनना है वो सारे वहीं हैं, और ऐसे में दो या तीन निर्दलीय बनेंगे। अगर निर्दलियों को लिया जाता है तो सबसे पहला क्लेम सिरसा जिले से रानिया से संबंधित रंजीत सिंह का बनता है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट विधायकों में से एक हैं जो 87 में विधायक बने थे, बाद में राज्यसभा में गए, और उसके बाद वो दूसरी बार विधायक बने हैं, एक बार राज्यसभा में, एक बार प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं 2005 में जी। डिप्टी चेयरमैन उनको बनाया गया था भूपिंदर सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में उनका नाम आता है। उसके अतिरिक्त जो है महम से जो विधायक बने हैं आजाद विधायक, उनका भी नंबर लग सकता है, अगर जाट दो विधायक लिए जाते हैं आजाद में से। भारतीय जनता पार्टी के छः या सात लोगों को बनाया जाएगा, उनमें से तीन नाम कम से कम स्पष्ट हैं, उनमें अनिल विज के साथ साथ कंवरपाल गुज्जर जो पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे, और तीसरा नाम कमल गुप्ता का जो हिसार से विधायक हैं, तीन का नंबर आना लगभग निश्चित है। बाकी क्योंकि ये पैरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, वो किसको बनाते हैं, नाम और भी कई लोगों के लिए जा रहे हैं, जिसमें सीमा त्रिखा का नाम लिया जा रहा है, डॉक्टर बनवारी लाल को भी बनाया जाएगा, पिछली बार भी वो मंत्री थे, वो आहिरवाल से आते हैं, और ऐसे ही मूलचंद, अगर एक ब्राह्मण को बनाया जाता है, जबकि गौतम एक ब्राह्मण जो चेरा जीजीपी से आएंगे, वहीं एक ब्राह्मण अगर मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ के विधायक हैं उनका नंबर भी लग सकता है। तो ऐसे में सरदारों को अगर प्रतिनिधित्व दिया गया तो संदीप सिंह, क्योंकि एक ही चेहरा आए हैं और युवा भी हैं और खेल कोटे से आए हैं, तो एक मैसेज, क्योंकि हरियाणा खेल की बहुत बड़ी नर्सरी है जी। तो उनको भी लिया जा सकता है। तो ऐसा हमें कम से कम दो दिन के अंदर अंदर ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और जो नाम हमने 10-11 नाम लिए हैं, इन्हीं में से 7-8 चेहरे अवश्य मंत्रिमंडल, ये कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र जो चाहे कल खत्म हो चाहे एक दिन और बढ़ा दें, इसके बाद ही मंत्री बनेंगे। हाँ, बाद में ही बनाया जाए। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक व्यंग टाइप में कहें या हंसी मजाक में कहें, एक बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं जब नेता प्रतिपक्ष बनता हूं तो उसके अगली बार सीएम बनता हूं, यानी उनका साफ था कि इस बार वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं और अगली बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस बार भी वो पूरा दावा कर रहे थे कि उन्हें टाइम कम मिला, नहीं तो उनकी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती। तो उनके दावे को, इस बार की जो उनकी परफॉर्मेंस है देखते हुए, क्या दावा सही लग रहा है उनका? ऐसा है, इस बार तो कांग्रेस को आशा से अधिक, स्वयं जिस दिन विधायक दल के नेता चुने गए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था हमें भी आशा नहीं थी हमारी 31 सीटें आएंगी, और हरियाणा में हमेशा दावे झूठे भी साबित होते हैं और दावे सच भी साबित होते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल शायद ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर गठबंधन के पहला 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक किया है और रिपीट भी किया है, जबकि इससे पहले हरियाणा में कभी भी कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक नहीं रहा। आप शुरू में ले लो, 1966 में भगवत दयाल जी बने, राव वीरेंद्र सिंह जी बने, और उस समय कांग्रेस भी था और मिक्स भी थी, विशाल हरियाणा पार्टी के थे, तो कुछ महीने बाद ही उनकी सरकार गिरा दी गई। तो कोई बनाई, उसके बाद 1970 में चौधरी देवीलाल जी बने, वो भी 80 में भजनलाल जी ने उसको तोड़ के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद जब 87 में बने तो भी कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया, हालांकि बहुत बड़ा बहुमत आया था, लेकिन वो जब उप प्रधानमंत्री बन गए, ओमप्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया, बार बार उनको हटाया गया, तो ये भी इतिहास पहली बार बना है भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री
मनोहर लाल जी 5 साल तक रहे हैं। हालांकि कल अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा के बाहर जब आए तो उन्होंने कहा भी ये सरकार जल्दी गिर जाएगी, ये बातें अभय सिंह जी पहले भी करते आए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करते आए हैं, लेकिन 5 साल तक मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री रहे और 5 साल तक ये सरकार चलेगी, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा यह समय बताएगा, लेकिन इतना बड़ा बहुमत अब बन चुका है गठबंधन और निर्दलियों के बाद 57 जो है वो आंकड़ा उनके पास है और 2 विधायक जो गोपाल कांडा और अभय सिंह भी सरकार के समर्थन। लेकिन सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दावा कर रहे हैं कि वो जब भी नेता प्रतिपक्ष सीएम बने, लेकिन उनके सामने पहले तो चुनौती अपने जो संगठन का विस्तार करने की रहेगी, क्योंकि पिछले 5 साल बिना संगठन विस्तार के कांग्रेस पार्टी रही है। ऐसा है, उनके सामने सबसे पहले तो कांग्रेस को संगठित करना है, उसके अलावा उनके लिए तो और बड़ी मुश्किलें हैं, उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, जो मानेसर जमीन का घोटाला चल रहा है, उस गंभीरता से सरकार जो है उनके पीछे पड़ी हुई है और एजेएल का चल रहा है, एजेएल का चल रहा है, तो उसमें उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, सबसे पहले उनको उन आरोपों से बरी होना होगा और कांग्रेस को मजबूत करना होगा। 5 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है राजनीति में, 5 साल बाद क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन उनके सामने जो मुश्किलें पहले 5 साल अहम रहेंगे, अहम रहेंगे। सर जो प्रदूषण को लेकर के जहां हरियाणा पंजाब में आपस में कहें किसानों को मुद्दे को लेकर उठाता रहे या खींचता रही है, अब सुप्रीम कोर्ट उसी मुद्दे पर पूरा सख्त हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि किसान जो पराली जला रहे हैं इससे लोग मर रहे हैं, तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पंजाब और हरियाणा साथ उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें बुलाया भी और इस बारे में जवाब भी मांगा। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट तो कल ज़्यादा ही सख्त था, उन्होंने यहाँ तक कि कहा जैसा कि हरियाणा में विधानसभा सेशन के कारण चीफ सेक्रेटरी ने अपना आवेदन किया होगा भी वो नहीं आ सकते, तो वो उस पर भी नाराज थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, कल दोपहर बाद से कुछ जहरीला धुआं जो है वो घटा है, दिल्ली में भी घटा है, जो 500 से ज़्यादा आंकड़ा था वो 450 के लगभग दिल्ली में आया है और हरियाणा में भी वो जहरीला धुआं छटा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के का लाभ तभी होगा जब ये राज्य सरकारें उसको गंभीरता से लेंगी और इसके दूरगामी कोई ना कोई उपाय करेंगे, और जिम्मेदारों ने हालांकि कुछ जिम्मेदारों ने उपाय करने आरंभ कर दिए हैं। कल ही टोहना के एक जिम्मेदार ने कहा भी 52 एकड़ की उसकी पराली है और जो आवारा पशु भूखे मर रहे हैं उनको वो खिलाई जा सकती है और वो फ्री देने को तैयार है। ये इसी प्रकार कुछ लोगों ने उसकी गांठें बनानी आरंभ की हैं, उससे गत्ता और चीज़ें बन सकती हैं, तो इस प्रकार सरकार को भी इन विकल्पों पर गंभीरता से लेना होगा ताकि इसका हल स्थायी ढूंढा जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसका लाभ तभी मिलेगा जब सरकारें अगली बार, ये सीधे तो चला गया, अगली बार ऐसा ना हो इसके प्रति सरकार और किसान मिलकर के कोई ना कोई विकल्प तलाशें और समाधान करें। सर जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो दर्शकों यह थी आज की प्रमुख खबरें, कल हम फिर नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद, नमस्कार।